दोस्तों, वैसे तो साउथ सिनेमा में कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो कई सालों से एक्टिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसे एक्टर की बात करने वाले हैं जिसने महज कई सालों में एक्टिंग की शुरुआत की और उन्हें आज कौन नहीं जानता है। दुनिया के हर कोने में इनकी फिल्में देखी जाती हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के विजय देवरकोंडा की। अगर आप भी साउथ सिनेमा के विजय देवरकोंडा के फैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। दुनिया के कोने कोने में इनकी फिल्में देखी जाती हैं। इनका फुल नेम देवरकोंडा विजय साई है और इनका निक नेम राउडी है। लोग इन्हें राउडी कह के बुलाते हैं। इनका जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना में हुआ था। प्रोफेशन से विजय देवरकोंडा एक्टर, मॉडल और बिजनेसमैन हैं। चलिए बात करते हैं विजय देवरकोंडा की फैमिली के बारे में। देवर विजय कोंडा के फादर का नाम है देवरकोंडा गोवर्धन राव। और इनकी माता का नाम है देवरकोंडा माधवी। इनकी सिस्टर का नाम है निहारिका कोनिंदला। इनके भाई का नाम है आनंद देवरकोंडा। इनकी जीएफ का नाम है इजाबिल लेटिस। चलिए बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में। विजय देवरकोंडा पर मूवी करने का चार्ज लगभग 6 करोड़ रुपए से भी अधिक लेते हैं, और ये अपनी एक ब्रांड इंडोर्समेंट करने के 3 करोड़ रुपए लेते हैं, जिससे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। चलिए बात करते हैं विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ के बारे में। इनका नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए का है। चलिए बात करते हैं विजय देवरकोंडा के हाउस के बारे में। हैदराबाद में इनका लग्जेरियस हाउस है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये है। हैदराबाद के अलावा भी इनके कई जगहों पर हाउस हैं। स्क्रीन पर आप इनके हाउस के खूबसूरत फोटोज देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं विजय को देवरकोंडा की कार कलेक्शंस के बारे में। इनकी कार कलेक्शंस की कीमत 30 करोड़ से अभी अधिक है। नंबर एक पर आते फोर्ड मुस्टैंग, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख से अधिक है। नंबर दो पर आते हैं BMW 530D, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। नंबर चार पर आती है ऑडी A6, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। नंबर पाँच पर आती है ऑडी Q5, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है। और इसके अलावा भी इनकी खुद की एक वैनिटी वैन भी है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। मूवी की शूटिंग के दौरान ये उसी वैनिटी वैन में नजर आते हैं। विजय देवरकोंडा ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2011 में की थी, और इनकी पहली ही फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। उसके बाद इन्होंने 4 साल तक कोई भी एक्टिंग में भाग नहीं लिया। इन्हें एक्टिंग के लिए कहीं से भी ऑफर नहीं आए, लेकिन 4 साल बाद इन्होंने एक मूवी रिलीज़ की। उसके बाद इनकी किस्मत चमकी। उसके बाद विजय देवरकोंडा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इन्होंने कई सारी फिल्में दी जो आज सुपर हिट हुई हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कक्षा 10 के बाद विजय देवरकोंडा ने पढ़ाई छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन इनके घर वाले नहीं माने और इन्होंने 12th तक की पढ़ाई की।
उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया, लेकिन इन्होंने अपने पापा से कह दिया था कि पापा मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना, पढ़ना नहीं है, मुझे अब एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है और मेरा नाम न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल में लिखवा दीजिए। लेकिन इनके पापा एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिससे इनके पापा ने इनको जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें वहाँ तो नहीं एक्टिंग स्कूल में तो नहीं नाम लिखा सकता हूँ, लेकिन पास के ही एक्टिंग स्कूल में मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। और विजय देवरकोंडा ने उनकी बातों से सहमत होकर वो पास के ही कॉलेज में, एक्टिंग कॉलेज में अपना नाम लिखाया और वहाँ से इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। इन्होंने कई सारी सुपरहिट मूवी दी हैं जो भारत के हर एक कोने में देखी जाती हैं और साउथ मूवी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में इनका भी नाम सबसे ऊपर आता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।